लाइट ने अच्छे खून पिए आ कहीं ना दे रही, लास्ट क्यारी रह रही या भर के चले जाते अपने घर को, खूब नहीं पी लिए कतई। भैया मुझे माफ कर दो भैया। यू कहा फता ली अब के नहीं, ये तो रघुबीरिया नमक भैया है और गुंडे भी ले रखे हैं। बेटा सोमलाल भाग, अन्नी बहुत तोड़ेंगे। नई उम्र के लौंडा तो भागन भी ना देंगे, यहीं बैठो रहे देखी जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हूँ लोक जाकर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अबे सोमलाल कहाँ चल रहे हो? हमारे यहाँ तो भैया वही चल रहा है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वाह बुड्ढे ने नून पूछ रहा, गौम समाज में तो तेना मालिक बदनामी करवा रखी है, यू कहता वो है? ए भाई बुद्धन, ऐसा काम ओपे काई को मुंह रुके है, जो कह रहो कह रहो। सोमलाल गलत थोड़ी है, पर सोमलाल तो भैया बेबस है, मजबूर है और गरीबन को सहायक है। ए बुड्ढे मार भी ऊपी लाचार है, बेबस है, गरीब है, का सहायता कर दी तने? बेटा ज्यादा रईस मत ना बने, समझ गो ना, सारे चमोसे चमोसे उपड़ा होते गए हमारे घर ते, आधी रात भी आ जाइए सोमलाल के धोरे, काई चीज को मने ना। सोमलाल तो भैया हम कहे कहा जब हमारा सिक्का खोटो, या को तो दो चार दिन में ले जाके घर का लेस काटेंगे, तो मैं दम हो तो रोक लियो। नहीं भैया आपकी बार छोड़ दो मुझको, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भैया। श्यामू श्यामू बचालो मुझको, श्यामू श्यामू। सोमलाल आज पता पड़ी तू तो सच में बेबस और लाचार है, कुछ नहीं कर पाया। साली डॉगी जिंदगी। आदमी भैया मानने वाली बात है, बहुत दिलेरी का काम है यार, किसी दूसरे मुल्क में जाकर तुम हाथापाई कर रहे हो, बहुत दिलेरी का काम है। खालिद बात तो सही कह रहा हो भाई, पर भैया मसला वही वाला, इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर डालता। अब 2 साल पहले की ना पता तुझे, मेरी और रुखसाना की ना बनी, होगा झगड़ा, अब शाहरुख को लेकर पहुंच गए ससुराल। बतला भैया अच्छा करा उसने, अब तू जाने मुझे तो नाराजगा मुझसे, मैं ससुराल पहुंच गया, भैया ससुरालियों ने मुझे मारा, मैंने भी मारा, पर माना ना मैं शाहरुख को लेके ही आया। खाली औलाद को सब कुछ करना पड़े, बिल्कुल वाजिब बात कही है तूने आदमी, पर भैया खुदा ने जो ना इस रिश्ते को बनाया है इतना खूबसूरत है ना, औलाद और बाप का रिश्ता इतना खूबसूरत है, बाप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर जाएगा और औलाद अपने बाप के लिए कुछ भी कर जाती है। मैं क्यों सिकल को बना रहा जब मेरे अब्बा से ना बन रही मेरी, तो बतला मैं क्या करूं ना के लिए। ले चाचा सामलाल का पोता तो किताबों को खोल कर बैठा दीख है, आज चाचा पता करते हैं कहां चाचा। बेटा मन चाचा को? हाँ चाचा, बाबर तो खेत पे गए, पानी चल रहा ना खेत में, तो पानी देख रहे हैं। ले भी देख रहा आदमी कितना बुरा जमाना चल रहा, इसका बूढ़ा बाबा खेतों में पानी कर रहा और ये ना बैठ कर मुकदम किताब के पर्चे पलट रहा। चाचा यहाँ बैठ कर ज्यादा बड़े मुकदम मत बनो, सारे मोहाले में खुद करके आया हूँ, बाबा बस बिजली चला कर देख रेख ही तो कर रहे, मेरा टेस्ट है कल स्कूल में पढ़ू ना मैं। खाली थोड़ा बोलेगा, बिना सोचे समझे कुछ भी कान लगे। मैं जाहिल बहुत बोल रहा है, एक हाथ की जीभ को निकाल के है, तुझे पता खाली तेरे इस बच्चे को अपनी गोद खिलाया, मुझसे ज्यादा जानता है तू इसको, बच्चा मेरा ये। अमन बेटे पढ़ लिख के क्या बनना चाह रहे हो? चाचा मैं पढ़ लिख के दूल्हा बनना चाहूंगा। मैं देख रहा आदमी देख रहा कितना लाजवाब क्या रहता वो लेंस ऑफ रेगुलेटर है इसका। अरे खालिद वो सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ है।
हाँ वही 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 जो तू कह रहा सेंस ऑफ रूमर। अमन बेटे आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दिल में बहुत दिन से बात चल रही, आज बतलाऊंगा। लेकिन तुम्हें ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरती डाली है तुम्हारे अंदर, इतनी शिद्दत से तुम्हारे हुस्न को नवाजा, मेरे कहने से तुम हीरोगिरी करो। एक दफा मेरे कहने से, अपने चाचा कहने से मुंबई कल जाओ। देखिए देखो चाचा फिल्म, कौन सी फिल्म देख लिया आज? देख रहा बे आदमी, कितना बारीक दिमाग लिए पड़ा है लौंडा। हाँ बेटा, आज जरा ही कल गए ग्रेटर नभेडे में, गदर देख रहा है सनी देवल वाली। यो, 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 यो। चाचा वाह फिल्म है तो मैं भी देखा था, पर मेरे बाबा ने पैसा ना दिए। अरे बेटा अमन, हमने तो गांव के प्रधान पर हाथ धर लिया, वो दिखा लाया हमें तो। बेटे मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रख तू, है ना आदमी। और हम चल ले, कभी हम तेरे दूल्हे बनने का रास्ते में परेशानी का सबब बन जाए। आजा खेत पे ही चल ले, चाचा को मिलते हैं। ठीक है, पढ़ बेटा तू पढ़। भाई लाइट तो आना रही है चाचा, है खा ले 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 आदमी। चाचा तो वो आराम फरमा रहा, आ जाए कलिया। इकलिया आदमी इकलिया, इत्मीनान से इकल के बैठ भई, फिसल के अंदर मत गिर जाइयो, कभी हौदी भी गिरे। चाचा कैसे आराम कर रहे हो? बाकी तन डॉक ला ले हो ना, जाओ यहाँ से। चाचा इतनी बेरुखी, इतनी बेरुखी, अब समझ रहा हूँ मैं सारी बात, किसी और का गुस्सा हम पे ही कर ला। चाचा बतलाओ क्या मसला, ड्रामे मत करो ना। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, बेटा भैया गर्दिश में घेर लेते कुत्ते भी शेर को। आदमी मुझे लग रहा मुझे चाचा का कोई शिकार करगा। अम्मा खाली में या को तो दो चार दिन में ले जाके घर का लेस काटेंगे, तो मैं दम हो तो रोक लियो। ए चाचा, तुम्हारे संग तो फिल्मों की कहानी हो गई, मैं फिल्मों में ना दिखलाते, हीरो से हीरोइन को उसके घर वाले छुटा कर ले जाते हैं और ले जाकर बंद कर देते हैं कमरे में। पर भैया रे मानना पड़ेगा, हीरो भी हीरो ही होता, छुटा के लाता कैसे भी करके। अब चाचा अगर तुम असल जिंदगी में अपने आप को हीरो बनते देखना, तो चाची रघुबीरी को छुटा के लाओ कैसे भी। अरे भैया वो फिल्मन में हो, वे असल जिंदगी में ना होता, यह उम्र धरी है हीरो बनने की। अब यो, 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 यो। देख रहा तू आदमी, कर रहा चाचा बावली बातों को ना, उम्र की बात कर रहे हो चाचा, मोहब्बत में उम्र देखी जाओ, मोहब्बत करने के लिए उम्र ना देखी तुमने, अब चाची की जान बचाने के लिए उम्र देख रहे। चाचा सनी देवल को जानो ना जानो, अपनी मोहब्बत के लिए दूसरे मुल्क में जाकर नले उखाड़ डाली। अरे यार घास तो उपड़े ना, नल तो जब उपड़ेगी। चाचा क्या बात कर रहे हो यार तुम, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना, नल तो नल समरसेबल भी उखड़ जाएगा। भाई बात तो ठीक कह रहा तू। भाई तुम दोनों मेरी गैल चलो, रघुबीर ये छुड़वा के लाते हैं। चाचा मेरा मिजाज ना दूसरे गांव में जाकर सिर फुड़वाने का, मोहब्बत तुमने करी है तुम जाओ। चाचा या कहो मैं तो तुम अपना अपन जाम दे, वाजिब बात कही आदमी ने। चल भाई चल, बेहतरीन आ जाए गलिया। रे जाओ, देख लिए तुम जैसे दोस्त, नाम चारे के दोस्त तुम तो बस। चाचा ये क्या बावली बात कर रहे हो तुम, खाली चल क्यों बहस कर रहा। अब रुक जा जरा, तू नहीं बकवास कर रहा फालतू की। चाचा एक बात बतलाओ तुम मुझे, जब तुम चाची रघुबीरी के चक्कर में पड़े, माने तुम मेरी एक दफा भी बात, कितनी दफा मना करी मैंने तुमसे, है?
अरे होगी गलती, पड़ गए वाटे मकल पे पत्थर। अब चाचा अकल पे पत्थर पड़ गया तो भैया झेलो, हमसे क्यों कह रहे हो फिर? अरे जाओ डरपोक हो जाओ, तुम क्या सोच रहे तुम सोमलाल को साथ न दोगे तो सोमलाल रघुवीर बचाने को वह गोम में न जाएगा? अरे सोमलाल जाएगा और उनकी नल तो नल उनके समर सेवल है भी उपाड़ के लाएगा। चल बेचल आदमी भाई, यही तो मैं चाह रहा हूँ, चाचा को अपनी गैर कानूनी मोहब्बत का हर्जाना भरना पड़े। अरे खालिद बुड्ढा अकेला पड़ जाएगा यार। मैं जाहिले मस्ती मुकुम्ब लम्जिस बहरे हिजरा हमारा दिल है या बेचारा तुम्हारा दिल है ना? आया कुछ भी समझ में? ना आया। मैं तो तुझमें जितना दिमाग उतना ही लगा कर तू चल।